आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलेंस पावर्ड बाय फूड पैंडा बैंक इस्लामी लजीजा एंड सोल सिटी। पीएसएल 8 जारी है और कमाल हो रहा है, अनबिलीवेबल मैचेस हो रहे हैं और आज का मैच भी एक ऐसी ही दास्तान था। मुल्तान और पिशावर का आज मैच हुआ, पिशावर ने पहले बैटिंग की और जबरदस्त रन बना दिए, 242 रन बना डाले पिशावर ने। ये वही पिशावर है जिसने पिछले मैच में 241 रन बनाए थे, लेकिन 241 रन बनाने के बावजूद पिशावर मैच हार गया। पीएसएल की तारीख में इतना बड़ा चेस कभी हुआ नहीं, लेकिन पिशावर हार गया। आज पिशावर ने 242 रन बनाए, 6 खिलाड़ी उसके आउट हुए। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन बनाए 73, सैम अयूब ने 58 और इस तरीके से और खिलाड़ियों ने भी। मुल्तान आया बैटिंग में इन शॉर्ट, ये राइल रोसो ने बनाए अनबिलीवेबल 237 के स्ट्राइक रेट से। राइल रोसो ने 51 गेंदों पर 121 रन बना डाले मुल्तान सुल्तान की तरफ से। कमाल ये हो गया कि आज एक बार फिर पिशावर जलमी 200 नहीं, 210 नहीं, 220 नहीं, 230 नहीं, 240 जैसा पहाड़ स्कोर बनाने के बावजूद भी ये मैच खत्म होने से एक ओवर पहले तकरीबन ये मैच हार गया। मुल्तान सुल्तान जीत गया, बहुत बहुत मुबारक। सो अब ये क्या हुआ है पिशावर, ये आज मुल्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेला के 250 के करीब का स्कोर चेस कर लिया 240 का, या पिशावर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा खेला कि दूसरी कंसेक्यूटिव इनिंग्स है जब 240 चेस नहीं डिफेंड नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है पिशावर की बॉलिंग के लिए, उन्हें तजिया करो से जानेंगे। उससे पहले हमारे आज के मेहमान का तारुफ, जिनको आपने देखा है और बहुत पसंद किया और बहुत ही एक मुनफरिद शख्सियत के तो मालिक हैं, चाहे वो कभी गेस्ट की सूरत में किसी प्रोग्राम में आए हों या कभी होस्ट की कुर्सी पर बैठे हों या कभी आप उन्हें होस्ट करते हुए देख रहे हों या अदाकारी करते हुए देख रहे हों, मुझे ज़ाती उनका काम बड़ा मुनफरिद लगता है। अच्छा तो लगता है लेकिन मुनफरिद लगता है और हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं मोहिब भाई, मोहिब मिर्ज़ा हमारे आज के क्या हाल चाल सर? बिल्कुल सेट, आप यंग लग रहे हैं, आप तो जबरदस्त यार मतलब है, लेकिन मजीद लग रहे हैं, जितने हैं उससे ज्यादा लग रहे हैं। खुद मैनेज कर लिया मैंने, पावर किया खुद। सर आपके शो का नाम ही ऐसा है, हर लम्हा पुरजोश, तो आप पुरजोश क्या बात है सर, कर रहे हैं पीएसएल फॉलो कर रहे हैं? वैसे शो का नाम आज का सख्त लौंडे भी हो सकता है। अच्छा सही है, क्या लग रहा है सर, कौन सी टीम आपको लगता है कि कमाल करने जा रही है पीएसएल? सर ये मुझे समझ नहीं आई, मतलब हो क्या रहा है, इतने बड़े बड़े स्कोर और उसके बाद एक एक मैच में यानी 480 रन बन रहे हैं एक एक मैच में, मतलब कमाल है, कमाल बात है वाकई। एक बॉल पहले, एक ओवर पहले, 10 बॉल पहले खत्म हो रहे हैं जी, 6-6 गेंदों पहले 10-10 गेंद, बैटिंग का टैलेंट आ रहा है। आपके ख्याल में कौन सी टीम पीएसएल की ट्रॉफी उठा रही है? यार लाहौर या इस्लामाबाद ही होगी, इन दो में से कोई टीम आपको लग रही है, राइट? करते सर मजीद बात, आप सर हमारे इस तरफ बैठे हैं लेजेंडरी सियासतदान जिन्होंने, आई थिंक हम पीएसएल की बात करें, उन्होंने 8 के 8 पीएसएल और 800 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 1200 फुटबॉल वर्ल्ड कप देखे होंगे। साई हमारे साथ है, काहे जागे रहे? क्या हाल है? हेलो सर, ठीक हो आप? अकरार ठीक हो ना आप? क्या कह सर आपने? अकरार एक देखिए, वो जो है वो भी अकरार नहीं है, वो इकरार है, और मैं तो वो भी नहीं हूँ। तेरा नाम नहीं है अकरार? सर आप 13 करके तो आप करके। अच्छा मैं मजा नहीं, आप बड़े आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, गरीदा फारूक की बाजी ऐसी बात नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने पहले नाम का ज्यादा बुरा मनाया, आपको पता है? आपको आप मेरे भाई हो, आपने मेरे को जब इनवाइट भेजा है इधर आने का तो मैं घर से निकल पड़ा हूँ 2 हफ्ते पहले। आपको 15 दिन पहले इनवाइट किया था सर, आप आई नहीं रहते? हाँ मेरे रास्ते में इधर ये नहीं है, ये है ना ये पीछे, क्या सर? क्या नहीं है छोरा, ये पीछे जो चौक जो बना है, चौक है जी, मैं इस पे सो गया था, आराम कर रहा था, आराम कर रहा था, फिर मैंने ये जो एक अकाउंट बनाया है तुम्हारा, ये नहीं है टिकटॉक है ना? हाँ नहीं है सर, है ना, है ना, हाँ उस पे मैंने बनाया अकाउंट। मेरे को इतनी ज्यादा बादामियन जो आपकी फैन छोकरियां हैं उन्होंने मुझे फॉलो किया है, बड़े काबिल एहतराम है। हाँ नहीं है फॉलो, अच्छा है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम,
शुक्रिया आपका शायस्ता लो जी भाजी शुक्रिया। फैंस ने कुछ दिनों पहले भी आपको फॉलो किया था लेकिन वो कुछ और मामला था मेरा ख्याल है। नहीं था अच्छा बैठे मैं जरा एक बड़ा सही हो गया मुझे लगा आज अगर ये साहब आएंगे आदि साहब तो आज ये क्या करेंगे क्योंकि यूटर्न लेने में तो माहिर हैं। इससे पहले कह रहे थे कि जब जब पेशावर हारता था तो एक कामरान अकमल साहब का मजाक उड़ाते थे कहते थे पेशावर कोई टीम ही नहीं है उसको खेलना ही नहीं आता। फिर पेशावर जीतना शुरू हो गया तो कहने लगे पेशावर से अच्छी कोई टीम नहीं है मैं तो कामरान भाई के साथ हूँ वसीम भाई आप लड़वाते हैं मुझसे। अब उसके बाद पेशावर दोबारा हारना शुरू हो गया है। आज अगर आदि साहब होते हैं तो उन्होंने फिर जो है वो बड़ा मजाक उड़ाना था कि देखो पेशावर हार गया है वो तो आज का प्रोग्राम सर जरा सुकून से हो जाएगा। तो मैं इस भाई क्या कर रहा भाई मैं कहता हूँ कमाल है ना आदि ये है तो पूरी कितनी होती इस खूबसूरत लतीफे पे हाँ इस खूबसूरत शो पे हाँ कल जब हाँ, मैंने कहा कि हाँ, मुल्तान जीतेगा हाँ, एक छोटा सा गीत पेश करना चाहता हूँ सर नहीं करें सर क्या करें सर नहीं करें सर प्ले वो अब तो आदत सी है अब पेशावर जलमी हार रहा है 250 उन्होंने मना बना के हार रहा है तो आप कह रहे थे कि पेशावर जलमी तो बहुत अच्छी टीम है फिर आप कह रहे थे बहुत बुरी टीम है आज क्या मौके है आपका आप जो भी कहो मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता <है? laughs> यार आप क्या बात कर रहे हैं यार किस तरह की बात कर रहे हैं I am busy. Please talk to me later. अरे फायदा नहीं कर बंदा गुस्से में अच्छा गुस्से में आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई तो फिर मगरूर हो गए वसीम बदामी जी सर सर मैं रोज कह के थक गया एक बार प्रेडिक्शन सही हुई हाँ। दो बार सही हुई कल भी मैं कहता रह गया कि ऐसा ना हो कि हैट्रिक हो जाए लेकिन अब क्या हुआ हैट्रिक हो गई भाई दिखा दे चले दिखाए ये एक दफा इनकी तसल्ली हो जाए ये एक दिखा दें आज के मैच के बारे में किसने भाई हाँ। आपके कहने पे नहीं खुश खामोश होंगे क्या मेरे कहने पे खामोश होंगे क्या बात कर रहे खामोश करके दिखाएं जरा शोर मचाइए क्या बोलूं मैं बोला खामोश हो यार खामोश हो जाए यार अब ये देखो सर कैश चलता है कैश 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 चलता है भाई नकद पेमेंट हो रही है नकद वाह अच्छा बस प्रेडिक्शन देख ले यार दिखा था कि एक दफा आपका तो गुरु सर नाम रखते शो का हर लम्हा चौड़ा चलो भाई दिखाओ प्रेडिक्शन दिखाओ दिखाएं भाई लड़का हुआ यार मेरे कहने पे प्रेडिक्शन भी नहीं चला रहे क्या नहीं चल रही अब नहीं ओ भाई आप अपनी तरफ से वसीम बदामी बने प्रेडिक्शन चलाओ आज का थोड़ी चलती है मशीन खराब है यार से नहीं चला प्रेडिक्शन चलाई है नहीं चलेगी मुझे पता ही नहीं मशीन अच्छा सर मुल्तान हां भाई मैं पेशावर जलमी का पेशावर मुल्तान पेशावर पेशावर जीतेगा क्या हो गया क्या हुआ ये देखे ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे अभी कॉफी पी रहा हूँ ताकि अरे पिए मेरी कॉफी क्या पता मेरा थोड़ा टैलेंट आपके अंदर मजीद आ जाए अब मैं जरा कुछ क्रिकेट का तजिया ले लूं काम क्यों रहे वसीम भाई कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ऐसे यस अब पूछो जरा शुरू करूं पूछिए क्या है यूनुस भाई ये दूसरा मुसलसल मैच जब 240 प्लस डिफेंड नहीं कर पा रही है टीम ये क्या है मतलब
इसका मतलब पेशावर की बॉलिंग या मामला बहुत खराब है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अगर आज के मैच की बात करें तो दोनों तरफ से बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, हमने देखा कि बैट्समैन की जो स्ट्रेंथ एरिया थे उसी पे बॉलिंग हुई है। पहली इनिंग की बात करें तो आखिरी ओवर अनवर अली को देना, उसमें ऑलमोस्ट कुछ 24 पड़े मेरा ख्याल है, और उसमें भी एक अच्छा कैच हुआ है। हाँ। अगर वो पोलार्ड कैच नहीं करते, अगर पोलार्ड को कैच नहीं करते तो 6 रन और होते, तो कम से कम कुछ 30 प्लस रन होने थे उस ओवर में। तो मेरे ख्याल से बॉलर लर्न नहीं कर रहे। जैसे आप कल के मैच की बात करें, हाँ, जिस वक्त लाहौर कलंदर जब बॉलिंग कर रहे थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, तो बहुत ज़बरदस्त उनकी बैटिंग थी, लेकिन वहाँ जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की वहाँ पे कि यॉर्कर्स और वेरिएशन, हाँ, दो बॉलर ने हमें आज इंप्रेस किया। आसिफ अफरीदी ने, यंग बॉलर है, 4 आउट किया, उनकी वेरिएशन, उनके माइंड क्लियर था। यॉर्कर कर रहे थे, अगर वो स्लो वन कर रहे थे तो ऐसी जगह पे कर रहे थे कि जो कि जहाँ पे शॉट नहीं लग रही थी। सही है। फिर वहाब रियाज भी आज अच्छे लगे हमें। ठीक है। लेकिन अगर मैं बाकी देखूं तो जो जहाँ इस पिच पे, क्योंकि बाउंड्रीज हमारे सामने है, पिच हमारे सामने है, अचानक हाई स्कोरिंग मैचेस शुरू हो गए, तो क्या पिचेस चेंज हुई है या बैट्समैन का मिजाज क्या हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम से ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ की पिचेस की बात करें तो जो पहले मैचेस में तो उसमें काफी बॉल बाउंस भी आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये मैच हो रहे हैं तो उसमें काफी जो है वो अब काफी स्टेबल हो गई है। बॉलिंग फारिग थी मान ले यार। नहीं, देखिए बॉलिंग तो फारिग नहीं होती, क्योंकि आप तो देखेंगे यहाँ पे जितने भी बॉलर्स हैं तो वो पाकिस्तान के और दुनिया के बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे कल की अगर बात करें, कल के मैच देखो, आप लर्न बहुत जरूर करना है। यॉर्कर्स कहीं भी नहीं होंगे, और ये पेशावर जलमी के यहाँ मेंटोर बैठे हुए, जब इनसे आप पूछेंगे तो ये आपको बिल्कुल खुल के बताएंगे। पूछ लेते हैं कि वो कौन सी बॉलिंग थी, जो कि कौन से बॉलिंग, नाम बताया उनका नाम। मैं आवाम हूँ, मैं ओवरऑल बोलता हूँ फारिग है। कौन फारिग है? सीधी सीधी बात, मैं टेक्निकल बात क्यों करूँ सर? टेक्निकल बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ तो आप मुझे फिर रोक क्यों रहे? मैंने मजाक में कह रहा हूँ, बॉलिंग फारिग है। नहीं, मैं भी मजाक में कह रहा हूँ कि अब आप नाम बताएं कि वो कौन से फारिग बॉलर है। इन्होंने तो नाम नहीं बताने, आप बता दें। आप बता दें, हमने क्यों बताने, आपने बताने, क्यों नहीं बताते? वो उनका है, आपके हिसाब से 242 का स्कोर बन रहा है, इसमें बॉलिंग का कोई भंड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले? तो मेरे हिसाब से बॉलिंग फारिग हुई, फिर तो बॉलिंग की स्ट्रेटेजी फारिग हुई। मैं भी वहाँ पे टेक्निकल तौर पे यही बता रहा हूँ कि लेंथ पे बॉल नहीं हो रही, सही, इसलिए रन है। तो मैंने आवाम बताया, आवाम की जबान में बॉलिंग फारिग है और क्रिकेटर्स की जबान में लेंथ पे बॉलिंग, लेंथ को यूं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैंने महसूस किया क्या कि इस बहस में कामरान भाई कुर्सी दूर करते जा रहे हो। आप बताओ बॉलिंग फारिग थी या नहीं थी कामरान को? देखिए बॉलिंग नहीं, जो हम लोग पहले भी डेली बात करते हुए आ रहे हैं, स्वाइल लाहौर कलंदर के अलावा बॉलिंग किसी के पास नहीं है। आप डेप्थ बॉलिंग देखें, लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, अपनी पेस पे नहीं कर रहे हैं। यॉर्कर करने चाहिए, आप कितने यॉर्कर हुए हैं, सिंगल हुए हैं। बाकी यूनुस भाई भी देख रहे थे, मैं भी, बॉल दूर दूर फेंक रहे हैं, नया बैट्समैन आ रहा है उसको रूम दे रहे हैं, तो वो बाउंड्री लग रही है वहाँ पे, एक एक बॉल बड़ी इंपॉर्टेंट। फारिग हुई ना बॉलिंग? देखे नहीं 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 फारिग नहीं, देखे नहीं फारिग तो फिर कहीं और निकल जाएगा। देखिए बॉलिंग डेफिनेटली बड़ी बुरी हुई है, बैक टू बैक मैचेस में बुरी भी है, बुरी बॉलिंग हुई है। ऐसे बॉलर नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग, 250 पड़ जाए, 250 करवा लें। इसमें मेरे ख्याल से गलती बॉलर्स की है। अब बैट्समैन कितना करके दें, अब 300 करके दें फिर जाके डिफेंड करेंगे। अब आज भी देखिए 5 बॉल पहले मैच खत्म हो गया, लास्ट मैच भी 10 बॉल पहले खत्म हो गया। इसका मतलब है कि बॉलिंग लेंथ पे नहीं हो रही, बॉलिंग को जरा पता नहीं चल रहा कि हमने लास्ट 6 ओवर्स में कैसे करने हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स में कैसे बॉलिंग करनी है, छठा ओवर सातवां ओवर किससे करवाना, छठे सातवां ओवर टूर्नामेंट में कुछ करना है तो अपनी बॉलिंग पे ध्यान देना होगा। देखें अगर आप पेशावर के भी कॉन्फिडेंट ना हो, बचा पाऊंगा पेशावर की नहीं बात, ये 5 की 5 टीमें लाहौर कलंदर निकाल के सबको बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो वेरिएशन पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपनी पेस। आप बल्कि कह भी रहे दो तीन दिनों से कि T20 आपको लगता है कि बॉलिंग का गेम होता है और इस PSL में बॉलिंग का मैयार वो नहीं है, आप कह रहे हैं वो बॉलिंग का नहीं है, सिर्फ वो लाहौर कलंदर एग्जांपल सेट की हुई है। अच्छा एक बार मुझे और ही बताएं यूनुस भाई, पहले इस पे आप तजिया दे दें, फिर आप भी बल्कि आप बताएं, आवाम का तजिया भी लेंगे और खवास का तजिया भी लेंगे। पहले ये जो कौन से मैंने लेमन से पहली मतलब सुना है क्या? मुझे हर किसी ने सुना नहीं, मुझे लगा कि ये जो आपने आज जो आपने लेमन बुलाया ना इससे पहले इनसे मैं तीलियां लेकर आया हूँ, डालता रहूंगा आप बोलते रहे। चलो ऐसा करते हैं,
पहले जरा ये आज एक खबर आई है, बल्कि पहले हम एक्चुअली ये करते हैं सीरियस नोट कि हम जरा एक खबर आई है उस पर आपको कुछ लोगों के, आम लोगों के, चलो भाई लव लेमन हटा दो यार, आम लोगों के तज़िये ले लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, आम लोगों के कि ट्वीट आपको दिखाते हैं। आज ये खबर आई है कि अभी अफगानिस्तान में हमारा अगला टूर है पाकिस्तान की टीम का, हमने वहां जाना है अभी, तो खबर ये आई है कि बाबर आजम और रिजवान को शायद रेस्ट कराया जाए, मुमकिन है, और उसमें कैप्टनसी किसी और को दी जाए, मे बी शाहीन को दी जाए, ये बात है। कल जब हम बात कर रहे थे कामरान भाई ने कहा भी था, उन्होंने कहा था कि 5-6 प्लेयर्स को बिल्कुल अगले अफगानिस्तान से पहले रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट कराएं, नए खिलाड़ी आजमाने सब करें। अब तो बाबर रिजवान, अब कुछ लोगों का इसमें तजिया देखते हैं, बल्कि अच्छा पहले कामरान मैंने कल क्या कर दिखा दें, वो दिखा दें। नेक्स्ट तीन T20 आ रहे हैं ना, उसमें आप अपने 4-5 प्लेयरों को रेस्ट करवाएं, क्योंकि उसमें अब जरूरी नहीं, जो बात हम करते ना कि शायद वो टीम से बाहर कर दें, नहीं, वो टीम के साथ रहें, ये जरूरी नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि वो बाहर हो जाए टीम से। ठीक है, यूनुस भाई भी ये कह रहे हैं कि भाई उनको ये नहीं कि टीम से बाहर निकाल लें, लेकिन इस राय के आप भी हामी हैं, अगर मैं सही समझाऊं तो, कि ठीक है अगर एक अफगानिस्तान की सीरीज आ रही है तो आप उसमें कुछ अपने खिलाड़ियों को रेस्ट करवाएं, इसका मतलब नहीं कि यू आर एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम द स्क्वाड। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल, देखिए मैं बोल लूं लेमन साहब, yes, पहले आप नहीं आप मुझे टॉकिंग तो नहीं मैंने बोले सर, ये मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूं, यस सर, ठीक है, ये ना हो कि मैंने कहा फिर ये लेमन बोलेंगे, पानी लो, ये लेमन बोलेंगे कि अरे बोल लो खुदा के वास्ते, जमहूरियत है भाई, जमहूरियत सबको अपनी राय। मैं जरा ये लेमैन से पूछ बता दूं मैं सर, यस मैं बताऊं कुछ बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं नहीं बताएंगे, आप बताएं या मैं फिर जरा मैंने तरीके से बता देना, ब्रेक ले लूं यार, क्या मैंने तौबा कर ली यूनुस भाई, मैंने तौबा भी कर ली, नहीं आइंदा जब आप बैठे होंगे ना किसी सीनियर प्लेयर के पास और वो बात कर रहे होंगे तो आपने ख्याल करना कि कंधे पे कभी हाथ नहीं, एब्सोल्युटली सर, नहीं तो फिर वो अक्सर जो है ना वो कान के नीचे उन्होंने मेरा ख्याल एक दोस्ताना उसमें कर दिया, अगर लेकिन आप ज्यादा हर्ष ले गए, ये मेरे मेहमान है भाई, नसीम नसीम आपने बताया ही नहीं है, आज आपने अर्तगुल गाजी को बुलाया हुआ बताया ही नहीं है, ये काई कबीले के वटेरे हैं, वो नहीं है सर, ये मैं इनसे बात भाईजान आप मैं आपकी कोई ऐसी ये नहीं है ड्रामा जो नहीं छोड़ा है मैंने, अट्टगुल भाई अगर हलीमा का नंबर मिल जाए भाई, भाई लेकिन ओ सर यहाँ कोई और बात हो रही है, आप चले मैं ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक के बाद नहीं आए, नहीं आए सर, क्या क्या आप किधर ले गए भाई, ये दो हफ्ते पहले निकले थे तो अभी भी अधूरे पहुंचे, किस्तों में आ रहे हैं, किस्तों में आ रहे हैं, चलो भाई ब्रेक, चलो भाई ब्रेक, ब्रेक का टाइम हो गया, यहीं से डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, बाबर और रिजवान को अफगानिस्तान की सीरीज के लिए रेस्ट कराना क्या हमारे ये क्रिकेटर्स के ख्याल में एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बुरी स्ट्रैटेजी है, क्या है, इससे बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा।